हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि दोनों विभागों में नियुक्ति पत्र बटे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से, और इससे विभाग पे जो बोझ था वो हल्का हुआ है और काफी ज्यादा मददगार जो है दोनों विभागों के लिए जो है ये साबित होगा। और आप सब लोग यहां उपस्थित हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार जब से महागठबंधन की नई सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, तब से हमारा ध्यान जो बिहार के नौजवान है, क्योंकि बिहार जो है सबसे देश में युवा प्रदेश है, लगभग 50 से 60% जो युवा है वो बिहार में, आप समझते हैं कि इनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई समस्या अगर था तो बेरोजगारी था, सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन था तो बेरोजगारी था। और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो सबसे बड़ी जिसकी आबादी है, जो नौजवान है, युवा है, उन पर ध्यान रखने का काम किया कि बेरोजगारी को कहीं ना कहीं से हम लोग खत्म करें, और कम से कम सरकारी विभागों में जितने भी पदे रिक्त हैं उसको हम लोग भरने का काम किया। अब आप बताइए, लगातार जब से बनी है, एक महीना भी नहीं हुआ था, डेढ़ महीना भी नहीं हुआ था, उस दिन से लगातार जो है अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से बांटने का काम किया, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और जहां पूरे देश में बेरोजगारी जो है सब लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये दुश्मन है और काम नहीं हो पा, इस दिशा में कोई राज्य सरकार काम नहीं करे, वहीं बिहार जो कम रिसोर्सेज होने के बाद भी, कम संसाधन होने के बाद भी कितना बड़ा काम जो है कर रहा है। और आप तो हम चाहते हैं भाई कि केंद्र सरकार जो है उसके अभी कितनी पदे जो है वो रिक्त हैं, खाली हैं, कम से कम केंद्र सरकार को ये भी बताना चाहिए। और अब तो जब से नियुक्ति पत्र हम लोग बांट रहे हैं सबसे, केंद्र सरकार जो है अनुकरण कर रहा है बिहार सरकार का, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व बिहार के लिए जो है गौरव की बात है कि भाई मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, अब केंद्र सरकार को भी जो है बिहार सरकार का अनुकरण करने का काम करना पड़ रहा है, तो ये तो बिहार के लिए गौरव की बात है। तो इसलिए हम सब लोग, चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, जो बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी है उस पर हम लोग जो है पुरजोर तरीके से हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ताकि कम से कम बेसिक जो सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो हम लोग उपलब्ध करा सके। तो हर एक दिशा में, हर एक डिपार्टमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हर अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा भी करते आ रहे हैं, और ये समीक्षा कर करके सभी विभागों में इन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, किस दिशा में हमको जो है आगे बढ़ना है। ये सारा काम जो हम लोग एक एक करके सारी चीजों को देख रहे हैं, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों का यही सपना है कि बिहार के लोग आगे बढ़े, उनकी तरक्की हो, और जो एक प्रगतिशील राज्यों में बिहार जो है गिना जाए। अभी आज मेरा जन्मदिन है और हमारे तो आज सुबह मीडिया वाले सवाल पूछने लगे कि भाई बीजेपी के लोग आपको अगर गिफ्ट दे तो आप क्या मांगेंगे, तो हमने कहा गिफ्ट तो नहीं, कम से कम अगर गिफ्टी के बहाने अगर देना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जे का अधिकारी दे दे, तो चाहेंगे कि भाई, और हम भी नौजवान हैं, और आप लोग बिहार की जनता ने आज इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया है, अगर आज हम यहाँ उप मुख्यमंत्री के हैसियत से खड़े हैं तो इसमें बिहार की जनता का, खासतौर पे नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। और बिहार को अगर आप समझिए
कम रिसोर्स होने के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट में बिहार वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है, तो कितनी बड़ी बात है। जीडीपी की बात हो, हर एक विषय पे अगर देखा जाए तो कितना बढ़िया जो है नेतृत्व में इनके काम चल रहा, और हम लोग मिल करके इनके नेतृत्व में इसी को जो है असुविधा ना हो, कठिनाई ना हो, समस्या ना हो, उस चीजों पे हम लोग लगातार जो है ध्यान देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो बिहार का युवा है प्रतिभाशाली है, किसी भी राज्यों के मुकाबले अगर देखा जाए तो बिहार के लोग जितने मेहनती होते हैं उतना मेहनत और कोई करने वाला लोग नहीं है। और कहीं भी आप चले जाइए बिहार के लोग मिलते हैं, हर विभागों में, हर जगह, हर सेक्टर में जो है काम कर रहे। लेकिन हम लोगों का सपना है कि बिहार को इतना बेहतर बनाया जाए ताकि बिहार के लोगों को बाहर काम करने की जरूरत ना पड़े, बिहार में ही लोगों को रोजगार मिले, लोगों का इलाज हो, लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं बने जहां उनका हायर एजुकेशन हो, वो पढ़ सके, ताकि जो बिहार के रेवेन्यू जो है वो बाहर ना जाए, बिहार में ही जो है रेवेन्यू जो है हम वापस लेकर के आए। इस दिशा में भी हम लोग लगातार कर रहे हैं, हम लोग एक एक चीज को देख रहे। अभी इन्वेस्टर मीट हुआ था, हम लोगों की कोशिश है कि बाहर से जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो बिहार में लाए, इंडस्ट्री लगाए। और बिहार में आप देखिएगा फूड प्रोसेसिंग का कितना बड़ा स्कोप है, चाहे मखाना हो, फॉक्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, मखाना हो, मछली हो, केला हो, लीची हो, मक्का हो, इतना बड़ा जो है स्कोप है, इस दिशा में हम लोग काम कर सकते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ सकती है। अभी स्किल डेवलपमेंट पे आप देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है, चाहे मोतिहारी वाले या मुजफ्फरपुर वाले में जो हुआ वो गए थे, इतना बड़ा खुद से जो लोग हैं इंडस्ट्री छोटे स्केल पे ही बैठा रहे हैं और उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों में क्षमता है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया सुंदर बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। और आज समझ जाइए, आज 9 नवंबर हम लोग 10 माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग 10 अगस्त को हम लोगों ने ओथ लिया था, यानी आज जो है 3 महीना जो है पूरा हो गया। लेकिन जो हम लोगों का प्रण था, हम वादा नहीं बोलते क्योंकि हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, वादा तो तोड़ा जाता है, लेकिन हम लोगों का प्रण था कि बिहार में नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं कि गांधी मैदान में ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त को ऐतिहासिक स्थल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 10 लाख ही नहीं बल्कि 20 लाख हम लोग जो है नौकरी और रोजगार की व्यवस्था हम लोग करने का काम करें। और उस दिन के बाद से देख लीजिए एक एक काम जो है लगातार, कोई नहीं कह सकता, जो हमने कहा है, जो प्रण था उसको हम लोग लगातार जो है पूरा कर रहे। और आज देखते हम जितने जिन लोगों की नियुक्ति हुई है, जो आप पदाधिकारी या अधिकारी बनेंगे उनके चेहरों पर कितनी बड़ी खुशी है। तो ये सिलसिला कुछ दिनों बाद हमको पूरा विश्वास है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, कुछ दिनों में ही लाखों में सरकारी नौकरियां जो है लोगों को मिलेगी और लाखों में रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। और लगातार विज्ञापन जो है आप लोग देखिएगा कि छपने का काम होगा लोग, हाँ, लेकिन एक बात का हम लोग जरूर ध्यान देंगे कि जब भी बहाली निकलेगी तो उसकी प्रक्रिया को और बेहतर बनाएंगे ताकि लोगों को कठिनाई ना हो, देरी ना हो, जल्द से जल्द लोगों को नौकरी रोजगार जो है वो मिलने की व्यवस्था कराई जा सके। तो आज हम ज्यादा कुछ ना बोलते माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं और दोनों विभागों के भाई सुमित जी को, मुरारी जी को भी दिल से धन्यवाद देते हैं और माननीय मुख्य सचिव जी को, दीपक जी को, सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हुए। और हमारे जो दोनों विभागों के सचिव हैं मिहिर जी, लोकेश जी, इनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर आप लोग जो है अमल उतरे हैं और भी थोड़ा मोड़ा जो जगह खाली है इसको जल्द से जल्द भरा जाए ताकि आपका विभाग बेहतर ढंग से और चालू ढंग से काम करे। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को दिल से शुभकामनाएं हैं, बधाई है और अपनी बात को हम जो है
यही विराम देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।